हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी आज बहुत समय के बाद एक आपके सामने इंटरव्यू है एंड दैट इज द मोस्ट वांटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस आईसीआईसीआई बैंक में काम करे प्रशांत तो आज हम प्रशांत सिंह से बात करने वाले हैं उन्होंने एक साल कंप्लीट कर दिया है सबसे पहले तो बधाई प्रशांत आपको तो आज के इस वीडियो में प्रशांत ने कैसे अप्लाई किया वो किस बैकग्राउंड से हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आईसीआईसीआई बैंक में अब तक उसके बारे में हम बात करने वाले हैं सो प्रशांत वेलकम टू फ्रेश लर्निंग हमारे पास आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड तरह की जॉब है किस प्रोफाइल पे हम अप्लाई कर सकते हैं तो प्रशांत आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था और अभी एक साल आपके कंप्लीट हुए हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बैंक में फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लास्ट टू इयर बैक इन ट्वेंटी ट्वेंटी मेरा एम बी ए फर्स्ट ईयर था एंड आफ्टर आई कम्पलीट इंड माई एम बी एन दी टी टू सो जब मेरा थर्ड सेमेस्टर था सो देन कैंपस मोस्टली क्या होता है कि कॉलेज में कैम्पस

बट जब भी आप कुछ वीडियोस देखते हो एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हो कि क्या क्वेश्चन आ सकता है तो जो यूल भी है आइडिया इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट 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 तो तभी मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ से, देन आईसीसी डायरेक्ट का कैंपस आया ओवरऑल फाइव हंड्रेड स्टूडेंट देर वॉज इन दैंपस ओके सो एक्चुअली जब मैं ज्वाइन हुआ

फर्दर क्वेश्चन दे विल स्टार्ट आई मीन बैंकिंग से रिलेटेड दे विल आस्क एवरीथिंग सो मेरा जो बैंक में तो प्रशांत एमबीए जो है आपका एमबीए आपने किस स्पेशलाइजेशन के साथ किया था फाइनेंस में फाइनेंस में ओके जी right. so, तो आप बता रहे थे इंटरव्यू के बारे में जीडी होता है वन एंड वन इंटरव्यू होता है और बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाल फिलहाल में भी बहुत सारे आईसीआईसीआई के तरफ से वैकेंसीज निकली हैं बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो प्रशांत थोड़ा बहुत जो आप उनको गाइड कर पाए पहले आप वो कुछ टिप्स उनको दे दीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी प्रोफाइल के बारे में

प्रशांत right. आपको तो so, दो साल हो गए हैं जीडी में फेस किया हुआ तो कुछ कुछ टॉपिक्स याद हैं जो आपके कॉलेज में पूछे गए ग्रुप से अगर आपको कोई हो हो right. थे, थे, रिलेटेड टॉपिक दिया था द आरबीआई ओके बट जो मेरा टॉपिक था एग्जैक्टली exactly यही था कि आरबीआई के बारे में आपको जितना मालूम है

राइट इशन टू नो की आपको इंटरव्यू में. Okay, में क्या सवाल पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू आया फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड मी अबाउट योरसेल्फ तो मैंने बारे में बताया देन ही विल व्हाट इज़ द एनएससी

व्हाट टेक्निकल क्वेश्चन एक्चुअली, मोस्टली मैंने uh, देखे थे, मैंने इंटरव्यू थे, स्टडी किया था, so कि, uh, it, तो आई mm -hmm. uh, 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 okay, yeah. okay. तो प्रशांत कितना टाइम लग गया क्योंकि ये तो कैंपस uh, आपका प्लेसमेंट था पर कितना लग गया? रिजल्ट आते आते क्योंकि कई सवाल ऐसे भी आते कि मैम कितना टाइम लग जाता है अगर कैंपस रिक्रूटमेंट होता है तो मैक्स टू 15 डेज में आ रिजल्ट दे विल ओके ओके तो अब बात करते हैं कि किस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया था जो आपको पहले बताया गया था जॉब डिस्क्रिप्शन वो सेम आपको वही लगा कि अलग तरीके के काम मिले और जितने भी आपके साथ जो वर्टिकल्स हैं अगर आप उनके बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप बिल्कुल बताइए कि अगर कोई रिलेशनशिप ऑफिसर है तो क्या जॉब होती है आपके प्रोफाइल पे क्या जॉब यू नो डिस्क्रिप्शन रहेगी इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए तो मोस्टली जो जॉब प्रोफाइल था जब भी आपका कैंपस रिक्रूटमेंट होता है अब एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन होते हो किसी हुँ। भी कंपनी में ना बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग में जाओ डायरेक्ट में जाओ सिक्योरिटी में जाओ <laughs> तो मोस्टली uh, सबसे पहले आपको रिलेशनशिप मैनेजर ही देते हैं ओके okay. अभी रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क क्या होता है ऑफिस hmm. में कि आपको एक क्लाइंट्स का डाटा बेस दिया जाता है मोस्टली सेवन एट हंड्रेड क्लाइंट का डाटाबेस रहेगा जिनके अकाउंट okay. के आप रिलेशनशिप मैनेजर रहते हो ओके राइट तो योर वर्क इज कि आपको उन क्लाइंट्स को रीच आउट करना है ऑन कॉल एवरीथिंग विल बी ऑन कॉल आपको उन क्लाइंट्स को रीच आउट करना ऑन कॉल

इसमें मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड एफ डी बॉन्ड एंड थोड़ा इंश्योरेंस सेक्टर okay. ये इतना मुझे दिया गया था स्टार्टिंग में जब mm -hmm. मैं आया तो आई डोंट हैव आइडिया नहीं थाउंट अकाउंट ओपन हुआ मैंने mm -hmm. क्लाइंट का डाटा बेस दिया so, पहले वो आपको बहुत ऐसा फ्रेश डाटा नहीं देते mm -hmm. अच्छा होल्डिंग है मार्केट में वो डाटा नहीं देते तो बिल्कुल आ, उन उन क्लाइंट्स का डाटा देते हैं जिनका डीमेट अकाउंट जस्ट ओपन हुआ सबसे पहले उनको कॉल करके यू जस्ट नीड टू मेक एनी यू नो यू नो इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड और इन द स्टॉक तो, तो प्रशांत बहुत ज्यादा टारगेट बेस्ड जॉब है बहुत प्रेशर है हालांकि आप अभी भी आईसीआईसीआई IC, के साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब एक इंसान अगर चाहता है उस जॉब को तो वो आसानी से हैंडल कर सकता है और कोई नहीं चाहता है तो वो उसको एज अ प्रेशर और हेडेक लेगा क्योंकि कई सारे कॉमें आते हैं कि यार बहुत कम पैसे देते हैं बेकार की जॉब है हमें डोर टू डोर जाकर यू नो सेल करना पड़ता है तो क्या ये सारी बातें सही है प्रशांत आप बताए ये मैम डिपेंड करता है कि आपका आ, ब्रांच में आ, आ, उन्होंने जब जब भी आपका प्लेसमेंट होता है ना तो आपको दो जगह मोस्टली सेटल करते हैं तो आपको okay. किसी ब्रांच में देंगे okay. किसी एरिया के ब्रांच में या फिर आपको हेड ऑफिस में अच्छा जब भी आपको हेड ऑफिस में देते हैं ना तो so, uh, आपको डोर टू डोर कहीं नहीं जाना है okay. आपको लाइक ऑन कॉल यू नीड टू टू क्लोज एवरीथिंग मोस्टली वाज की आई वांट आप मीटिंग में जाते हो आ जाते हो वापस तो so, ये कभी कभी होता है मोस्टली ये पॉलिसी जब क्लोज करते हो क्या वर्किंग आवर्स होते हैं वर्किंग आवर मैम नाइन टू फाइव होता है नाइन टू फाइव होता है ओके okay. हाँ. तो आपने ज्वाइन किया एज अ रिलेशनशिप मैनेजर राइट 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 ओके और किस प्रोफाइल के बारे में प्रशांत आप थोड़ी जानकारी दे पाएंगे ये तो बात हुई रिलेशनशिप प्रोफाइल की कई सारे और प्रोफाइल्स हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स को एज अ फ्रेशर यू नो हायर करते हैं कैंपस से तो आपको किसी प्रोफाइल के बारे में कुछ अगर जानकारी हो तो आप प्लीज बताएं। आ, जब फ्रेशर को जब ज्वाइन करते हैं ना तो लाइक like एक रिलेशनशिप मैनेजर एक रिटेल प्रोडक्ट होता है ओके यहाँ पर दो चीजें होती हैं डीमेट में जब भी लोग एज फ्रेशर आपको लेते हैं तो या तो एक आपको बेस पूरा डाटा देंगे

आपको बिजनेस पे करना है बड़ा बिजनेस जो आपको लाना है ना तो आपको है। तो वर्क प्रेशर कुछ नहीं है वो डिपेंड करता है पे आपकी, कि कि आपको किस आप आ, उनके वर्क को कैसे आ, तो आ, मुझे okay. जो मेरे कलीग रहे हैं अभी अभी मेरे कलीग उनका कुछ भी ऐसा खास नहीं था नो कि कैसे क्लाइंट से बात करना है

आप उसके बारे में अगर रिप्लाई कर पा रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो आपको कुछ आइडिया है कि एक सॉल्यूशन मैनेजर की प्रोफाइल होती है हालांकि दैट इज अ टेक्निकल प्रोफाइल आई गेस जो बीटेक और के स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट प्रोफाइल सॉल्यूशन मैनेजर मींस मैम एक्चुअली ऑन कॉल उनको क्लाइंट से डिस्कस नहीं करना होता है अच्छा ओके okay.

आपको बहुत ही अटपटा सा लगेगा पर यहाँ पर शिवम ने पूछा है कि मैम जब हम फर्स्ट टाइम आईसीआईसीआई बैंक जॉइन करते हैं तो वेलकम किट मिलती है कि नहीं वेलकम किट uh, <laughs> ये सवाल हाँ बहुत पर फिर भी डू यू गेट एनी काइंड ऑफ गुडीज आई थिंक कि ऐसा पूछना चाह रहे हैं दे 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 विल 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 वेलकम यू एंड अ पार्टी फॉर इन द नाइट

यू you नो know, गलत फहमी है कि ये डोर टू डोर सेलिंग वाली चीजें होती हैं बहुत प्रेशर होता है टारगेट बेस्ड जॉब होता है तो आपके हिसाब से ये सारी बातें सही नहीं है और ये डिपेंड भी करता है कि आप हेड क्वार्टर लोकेशन पे या किस लोकेशन पे आपकी हायरिंग करता है राइट? Okay. Okay. मुझे टारगेट किया टारगेट मोस्टली रहता है भी, जो mm -hmm.

जो भी स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक ले या इंटरेस्ट रखते हैं जिनकी इच्छा है कि दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस बैंक जिसको अभी अवार्ड भी मिला है तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट के ये कॉमेंट्स में पूछते हैं कि मैम क्या ये जॉब सही रहेगी क्या यहाँ पर लर्निंग है क्या यहाँ पर यू you नो know, आगे आपकी ग्रोथ है तो प्रशांत एक साल हुआ है आपको आप अपने एक्सपीरियंस की यू uh, नो you know, अपने एक्सपीरियंस से क्या कहेंगे इस बारे में देखिए ये डिपेंड करता है मोस्टली जब भी आप एमबीए फाइनेंस कर से करते हो राइट mm राइट -hmm. right, तो right. आपका सेवेंटी फाइव परसेंट एट्टी फाइव परसेंट टारगेट बैंकिंग सेक्टर राइट राइट आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो सो so, uh, जब भी आप हेड ऑफिस में जाते हो राइट right? mm -hmm. तो आपको जस्ट यू नीड टू क्रॉस वन ईयर जब आप वन ईयर क्रॉस करते हो यू यू विल गेट ऑल द आइडिया राइट जब आप वन ईयर कम्प्लीट करते हो ना सो दे विल अपग्रेड योर ग्रेड ऑल्सो

तो okay. आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप बैक एंड में बनाते चले जाते हो एंड आप जस्ट नीड टू स्विच द कंपनी आपको एक, एक पर्टिकुलर कंपनी में रहना नहीं है जस्ट नीड टू स्विच द आफ्टर थ्री पॉइंट फाइव हाइकोरेट सेक्टर बहुत जाता है वर्क एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है आपने कहा है प्रशांत क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स को जॉब सीकर्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि तुरंत हिम्मत मत हारो कम से कम किसी जॉब में सिक्स मंथ वन ईयर जब तक आप नहीं निकालते हो तब तक यू बी एबल टू एक्सपीरियंस हर दस दिन में आप दूसरा जॉब स्विच करने का सोचो तो दैट इज नॉट दोल्यूशन आप कभी भी सीख नहीं पाओगे और जॉब प्रोफाइल वाकई में क्या है प्रशांत मैंने कुछ और लोगों से इंटरव्यू लिया था उनके भी काफी अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के एक सवाल जो और फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सैलरी का आई डोंट वॉन्ट यू टू टेल द एग्जैक्ट सैलरी पर एक आप अगर ब्रैकेट बता पाए कि एज अ फ्रेशर किस रेंज पे आप ज्वाइन करते हैं और आगे कितना हाइक होने तक की उम्मीद रखती है अगर आपको एक साल दो साल हो गया है

जितना भी सीटीसी होता है उसका फोर्टी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड आपको कंटिन्यू चलता है आफ्टर देन कंप्लीटिंग टू ईयर यू विल आल्सो ग्रेड हाइक अगेन सो यहाँ पे हाइक uh, आपको एवरी ईयर मिलता है बोनस आपको एज अ लमसम आपको एवरी ईयर मिलता है सो एंड द मार्च एंडिंग क्लोजिंग होता है यू विल गेट अ बोनस एज यू विल गेट हाइक Lakhs. तो आपके हिसाब से तो प्रशांत जो ये एक स्टार्टिंग सैलरी है फॉर आई सी आई सी आई बैंक फॉर अ फ्रेशर आई थिंक दैट इज वेरी गुड टू गिव अ करियर स्टार्ट अगर किसी को बैंकिंग लाइन में जाना है अब प्रशांत आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया आई थिंक फ्यूचर में भी मुझे आपको इनवाइट करना होगा इन केस वी आर गेटिंग मोर क्वेरीज और कुछ और अगर सवाल आते हैं दर्शकों की तरफ से तो मे बी प्रशांत आपको समय निकालना पड़ेगा टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगेन आज के yeah. इस वीडियो को आई थिंक हम रैपअप कर सकते हैं क्योंकि यू हैव एक्सप्लेन एवरी अगर समप किया जाए आप लोगों के लिए व्यूवर्स तो आईसीआईसी बैंक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका रुझान है देन डेफिनेटली डेफिनेटली यू यू शुड शुड ट्राई ट्राई फॉर दिस दिस बैंक बैंक इज वन ऑफ ऑफ द इंडिया एंड गिव इट अ एक जो आपके दिमाग में डर था कि डोर टू डोर सेलिंग करना होता है ऐसा कुछ भी नहीं है दो तीन प्रोफाइल्स के बारे में प्रशांत ने आपको बता दिया उनका क्या एक्सपीरियंस है क्या पैकेज है तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस बैंक इसके अलावा प्रश्न शांत कुछ ऐसी चीज जो मैंने आपसे पूछना मिस कर दी हो और आप शेयर करना चाहेंगे अपनी तरफ से बैंक रिलेटेड मैम लास्ट इस वन ईयर में जो मैंने सीखा है यहां पे आके स्टार्टिंग कुछ आइडिया नहीं होता है जब भी आप कंपनी करते हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता है की आपके क्या, वर्क क्या है right. जब भी आप अपना टाइम आप उसमें स्पेंड करते हो ना सो यू विल गेट कंफर्टेबल आपको एक अच्छा लगता लगने लगता है कि यू कैन हैंडल टू द क्लाइंट Right. मैंने जिनका इक्विटी में होल्डिंग्स द दरोडस है ना उनको भी मैंने ऑन ऑन उनको कन्विंस करके बिजनेस लिया है म्यूचुअल फंड okay. में जिनका तक अच्छी होल्डिंग है मैंने उनको भी कन्विंस करके अभी भी स्टार्टिंग में आया था तो ऐसा इनके अकाउंट्स में फंड नहीं होता था उनको दूसरे अकाउंट ट्रांसफर करके हम लोग इन्वेस्टमेंट कराते थे जब आपको आपको अच्छा एक अच्छा अच्छा डाटा डाटा मिला अभी टू मंथ बाद मुझे मैप हुआ जिनका होल्डिंग बहुत अच्छा है इक्विटी में अच्छा है, में अच्छा है, में अच्छा फंड में में सो उनसे कॉन्फिडेंट आ जाता है बात करने में राइट गेट ऑल द आइडिया कैसे उनसे बात करना है उनसे बिजनेस कैसे निकालना है आइडिया ऐसा कुछ वो प्रेशर नहीं है ऐसा कुछ डर नहीं है हुँ. एक्चुअली कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करना right. है है आधे स्टूडेंट तो, तो इसी डर से नहीं ज्वाइन करते हैं कि उनको रिलोकेशन मिलेगा उनको ज्वाइन करना पड़ेगा लड़कियां काफी यू you नो know, uh... सोचते हैं कि नहीं ज्वाइन करना इस बैंक को बट प्रशांत क्लैरिटी और एक चीज और uh, अभी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले अपनी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के पहले प्रशांत ने uh, मुझे बताया कि वो बस अभी आ ही रहे हैं यू नो फ्रॉम हिज जॉब तो प्रशांत uh, सबको ऐसे ही हमेशा यू आर ऑल वेल ड्रेस्ड क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जॉब सीकर जो पूछे पूछते हैं इस तरह के सवाल कि मैम क्या वहां पर फॉर्मल्स पहनना होता है क्या हम जीन्स पहन के जा सकते हैं तो चलिए उनके इन सवालों का भी हम जवाब दे देते हैं तो प्रशांत वॉट डू थिंक मोस्टली मंडे टू फ्राइडे आपको एज अ फॉर्मल्स रहना होता है सैटरडे okay. Saturday जो है ऑप्शन आप कैजुअल ड्रेस में भी यू कैन गो इन टू दिक्स डे वर्किंग एंड फॉर्मल इज प्रेफरेबल राइट Table right हाँ, वैसे भी बैंकिंग की जॉब है आई विल ऑल्सो सजेस्ट और जब तक आप एक आध दो साल तक इंडस्ट्री में हैं फ्रेशर हैं नए हैं तो आई थिंक और आप कितने अच्छे भी लगते हैं सी प्रशांत इज लुकिंग सो हैंडसम प्रशांत यूर लुकिंग वेरी वेल ड्रेस्ड एंड आई थिंक प्रशांत आज के लिए हम इस इंटरव्यू uh, को अब रैपअप करते हैं थैंक यू सो मच और सबसे बड़ी बात ये कि आप खुद से आगे आकर आपने कॉन्टैक्ट किया बिकॉज यू वॉन्टेड टू हेल्प अदर्स जो अभी आईसीआईसीआई बैंक को एज ए फ्यूचर और ड्रीम जॉब के तरफ से देख रहे हैं सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू प्रशांत